बंगाल की वहशी माँ की अनोखी रेसिपी, कढ़ाई में घी के साथ भुना कटा सिर, पत्थर से कुचला और मसालों में पकता एक बेटा। बंगाल की इस बेदर्द कहानी को आप समझें उससे पहले कहानी के मेन किरदारों से मिलिए। माँ गीता महेंसरिया, छोटा बेटा विदुर, पिता अनिल महेंसरिया और जिसे घी में भुना गया अर्जुन महेंसरिया। पता AJ 226 के इसी घर में गीता अपने दो बच्चों का लालन पालन करती थी। कम से कम आसपास के पड़ोसियों को यही पता था, लेकिन इसी घर के अंदर तंत्र मंत्र का ऐसा खेल रचाया जाता कि उसने बंगाल के इतिहास का सबसे खौफजदा जुर्म को अंजाम दिया। पत्नी गीता और अनिल की शादी साल 1988 में हुई, लेकिन शादी का ये रिश्ता महज 14 साल ही चल सका। 2002 में मियां बीवी ने एक दूसरे को तलाक देने की ठानी। पत्नी गीता का आरोप था कि अनिल उसे बार बार जान से मारने की धमकी देता, तो वही अनिल का तर्क था कि वो गीता के तंत्र मंत्र वाले पूजा पाठ से तंग आ चुका था और इसलिए उसने तलाक के लिए हामी भरी। लेकिन 18 साल पहले तंत्र मंत्र की इसी कहानी से किसी ने कोई सबक नहीं लिया। 2006 में परिवार में एक बार फिर से सुलह हुई और वो अब बच्चों के लिए ही सही एक साथ रहने को मजबूर हो गए। लेकिन 2019 आते आते पति पत्नी में एक बार फिर से अनबन हुई और इस बार अनिल घर छोड़कर पास ही एक अलग फ्लैट में रहने लगा। लेकिन अनिल की नजदीक की छोटे बेटे से ज्यादा अपने बड़े बेटे अर्जुन के साथ, शायद इसलिए भी क्योंकि पिता अनिल और अर्जुन एक साथ कई कारोबार में साझेदार थे। लेकिन जहां पिता के साथ अर्जुन की नजदीकी बढ़ रही थी, तो वहीं माँ गीता को बाप से पल पल बढ़ती ये नजदीकियां खलने लगी और एक बार फिर गीता तंत्र मंत्र के गंदे दलदल में फंसती चली गई। जहां गीता का रुझान तंत्र साधना की तरफ बढ़ रहा था, कि कुछ दिन पहले इसी घर की छत से एक नर कंकाल मिला, जो परिवार और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ। पुलिस को सबसे पहले यह पता लगाना था कि यह नरकंकाल आखिर है किसका और इसके पीछे कोई खतरनाक साजिश की गई है। जहां एक तरफ घर की छत से ये नरकंकाल मिला, तो वहीं परिवार का बड़ा बेटा कई दिनों से लापता था। ऑफिस में बड़े बेटे का ना दिखना और घर पर किसी भी तरीके से 25 साल के बेटे से संपर्क ना होने पाने की वजह से अनिल को किसी बड़ी साजिश की बू आने लगी। अनिल ने तुरंत पुलिस में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। तब कहीं जाकर मामला सामने आया कि कहीं ना कहीं इस साजिश में गीता का हाथ है। उधर वारदात की खबर पुलिस के कानों तक ना पहुंचे, गीता अपने छोटे बेटे के साथ रांची भाग गई। 29 अक्टूबर को AJ 226 के इसी बंगले में ताला लगाकर माँ बेटा रांची फरार हो गए। लेकिन जुर्म छुपाए नहीं छुपता और आखिरकार पुलिस के सामने गीता के सारे कारनामों का सच आ गया। पकड़े जाने के बाद पुलिस को दिए गए बयान में गीता ने खुद बताया कि उसने अपने बड़े बेटे के शव को घी मसालों और कपूर के साथ बड़ी सी कड़ाही में भुना ताकि उससे आने वाली दुर्गंध से बचा जा सके और आसपास के लोगों को इसकी भनक न लग सके। हड्डियों को माँ बेटे ने बड़े ही चतुराई से घर की छत पर छिपा दिया। फिलहाल कोलकाता पुलिस गीता को हिरासत में लेकर इस जघन्य अपराध की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तंत्र मंत्र के इस खेल में जिस किसी ने अपना हाथ डाला, उसी के हाथ गुनाह कर बैठे।